हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिलअप करना है, क्या बोला? अ लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके फिक्स टू पॉइंट होते हैं, यहाँ से ये जाके और यहाँ। तो एक पॉइंट, ये हमारा एक पॉइंट है, जिसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो क्या कहेंगे? टू एंड। क्या लिख देंगे? टू एंड। क्या बोलेगा? अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, मतलब एक पॉइंट यहाँ स्टार्टिंग है, एक खत्म होता है, दो टू एंड पॉइंट। ओके, अ लाइन हैज एंड पॉइंट। एक लाइन क्या होता है? जिसको हम खींचते चले जा सकते हैं, जितनी भी खींचे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? नो एंड पॉइंट, मतलब लाइन कितनी भी लंबी खींची जा सकती है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन कहते हैं। अब हमारा ए लाइन सेगमेंट हैज डैश लेंथ। भाई कैसे लेंथ है? जब हम कह रहे हैं यहाँ से लेके, जैसे हमारा पॉइंट ए के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक खींचेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ, तो हम इसको नाप सकते हैं। तो इसकी क्या है? फिक्स लेंथ हो गई। क्या हो गई? ये फिक्स लेंथ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे फिक्स्ड लेंथ। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है? फिक्स लेंथ के बीच क्या खींची जाती है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? ए लाइन ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाई, क्या बोला? ए लाइन ए बी रिप्रेजेंट बाई पॉइंट। किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता? पॉइंट से। ओके, ए बी अगर हम, सॉरी पॉइंट से नहीं, ए बी रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास एक लाइन है, ये ए और बी, तो हम ए बी, ए लाइन ए बी इज रिप्रेजेंट बाई ए बी। ओके, ए डॉट रिप्रेजेंट अ पॉइंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब ये कह रहा है ए पॉइंट शो अ डेफिनेट पोजिशन, ये क्या दिखाते हैं? मैं बिल्कुल फिक्स पोजिशन दिखाते हैं कहाँ पे। जैसे हमारा ये है, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊँ तो ये फिक्स पोजिशन हमको क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं